में लव जिहाद पर कानून लागू होने के बाद भी मुरादाबाद में एक मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की की शादी को लेकर तगड़ा विवाद शुरू हो गया है। पति को जेल में भेज दिया गया है, लेकिन पत्नी ने नारी निकेतन से निकलकर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता के आरोप सनसनीखेज हैं। नवंबर 2020 यूपी में लागू हुआ धर्मांतरण विरोधी कानून। चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। यूपी में लव जिहाद को रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया तो देश भर में इस कानून की खूब चर्चा हुई। पांच दिसंबर को यूपी के मुरादाबाद की कांठ तहसील में एक पति पत्नी अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने पहुंचते हैं। पीड़िता की माने तो वहां बजरंग दल के लोग आते हैं और दोनों की शादी को लव जिहाद बताकर पुलिस के हवाले कर देते हैं। तहसील जा रखे थे, तहसील से हम अपने कोर्ट मैच के पेपर वगैरह जो भी करना था वो ले गए हुए थे। उसके बाद हमें बजरंगल वालों ने पकड़ा जबरदस्ती में। जी, बजरंगल के लोगों से कोई खतरा है? हाँ सर, उन्होंने ही करा था, जो भी कराया उनसे खतरा है मुझे। किन से? बजरंगल वालों से ही। और यहीं से शुरू होता है एक बड़ा विवाद। एक मुस्लिम लड़के और एक हिंदू लड़की की शादी को लेकर। लड़की कह रही है कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है, उसका कोई जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करवाया गया है। उसकी मां शादी के खिलाफ थी और बजरंग दल वालों ने जबरन उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। क्या आपकी मां भी आपकी शादी के खिलाफ थी? हाँ वो खिलाफ थी, पर मेरी मम्मी ने कुछ करा नहीं था, उन्हें जबरदस्ती बजरंग दल वालों ने बुलाया गया था, तब उसके घर से लेके आए थे उनको, तब जबरदस्ती मुकदमा उनसे दर्ज कराया गया है। 5 दिसंबर को पुलिस पीड़िता को नारी निकेतन भेज देती है, जबकि 6 दिसंबर को उसके पति और जेठ को जेल भेज दिया जाता है। बिजनौर निवासी श्रीमती बाला देवी जी के द्वारा एक FIR कांठ थाने पे पंजीकृत कराया गया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि उनकी लड़की को दो लड़के धर्म परिवर्तन कराकर शादी करने की नियत से ले गए। मौके पे वो थाने आई थी और उन्होंने एक कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड एक तहरीर दी, जिसपे FIR पंजीकृत हुआ और जो दोनों अक्यूज्ड को लेकर के आई थी उनका जुडिशियल रिमांड लिया गया था, प्रारंभिक जो साक्ष्य मिले थे वादी के बयान के बाद। उसके बाद जो लड़की थी उनको उनकी सुरक्षा के मद्देनज़र और कॉम्पिटेंट प्राधिकारी की अनुमति से उनको नारी निकेतन में रखा गया था। पुलिस कह रही है कि उनके पास जबरन धर्म परिवर्तन कराकर शादी का मुकदमा दर्ज करवाया गया था, लेकिन लड़की इससे आगे भी और सनसनीखेज आरोप लगा रही है। जी हाँ, लड़की का आरोप है कि वो गर्भवती थी और उसका गर्भपात भी कराया गया। मैं नारी केतन 5 तारीख की 2:30 बजे गई थी रात को। सर रात मेरे को वहाँ पर टॉर्चर भी करा गया है। 3 दिन से अचानक से मेरे पेट में दर्द हुआ नारी केतन में, उन्होंने मुझे दिखाया नहीं। फिर ज्यादा तबीयत खराब होने पर मुझे हॉस्पिटल लेके गए हुए और उसके बाद मुझे डॉक्टरों ने इंजेक्शन लगाए। उसके बाद फिर मेरी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने लगी और उन्होंने मेरे को दवाई इंजेक्शन दिए। कल मेरे कोर्ट में बयान होने थे, उसके बाद मेरी फिर तबीयत खराब हुई, उन्होंने इंजेक्शन लगाए तो मेरा मिसकैरेज भी हो चुका है। और अल्ट्रासोना पहले तो सही था पर मेरे को इंजेक्शन लगाए गए तो उसमें मिसकैरेज हो चुका है मेरा। और मैं रात आई हूँ, वैसे कानून ने मेरी मदद करी है, मैं चाहती हूँ कानून से कि मेरा हस्बैंड और मेरा जेठ भी मेरे पास ला दी जाए। आज हम आपको दिखाएंगे कि क्या मुरादाबाद के इस जोड़े पर धर्मांतरण कानून लागू होता है, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि लड़की के गर्भपात के आरोपों पर मुरादाबाद की मेडिकल ऑफिसर क्या बोल रही हैं। तो हमने अभी ये जो अल्ट्रासाउंड कराया था 14 तारीख को, 7 weeks 5 days के अराउंड, और लेकिन उसमें फीटल हार्ट हमको नजर नहीं आ रही थी। तो उसमें जो हमारे अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट है उन्होंने एडवाइस किया कि तो उसके लिए फिर हम लोगों ने उसको मेरठ रेफर किया, और भी फर्दर की और जो बेटर ट्रीटमेंट हो सकता है उस सब के लिए हमने उसको मेरठ रेफर किया।
तो वो अपना दस्तखत करके अपना लेके गए कि हम जो अपने वाहन से लेके जा रहे हैं। तो सुना आपने, मुरादाबाद की सीएसएस जो फिलहाल सीएमओ का कार्यभार भी संभाल रही हैं, वो कहती हैं कि जब पीड़िता उनके पास आई तो उसके गर्भ में बच्चे की धड़कनें नहीं चल रही थीं और इसलिए उन्होंने पीड़िता को मेरठ के लिए रेफर किया था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद कांठ थाने में ही राशिद और उसके भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। दोनों को जेल भेज दिया गया, जब शेल्टर होम भेज दिया गया जहां पर आरोप लगाया कि उसका गर्भपात हो गया है, इलाज के दौरान उसे गलत इंजेक्शन लगाया गया है। आज तक ने जिला अस्पताल के सीएमओ से बात की, उनका कहना है कि गर्भ में बच्चा तो था लेकिन उसकी धड़कन नहीं चल रही थी, इसलिए हमने आगे की जांच के लिए उसे मेरठ भेज दिया था। जबकि पीड़िता आरोप लगाती हैं कि वो पहले सही थी लेकिन जब उसे इंजेक्शन दिया गया तो उसको दिक्कत शुरू हो गई। हाँ, मेरे को इंजेक्शन लगाए गए थे, उसके बाद उसी से मेरे को ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने लगी थी, तभी हुआ, उससे पहले नहीं हुआ था। मेरे इंजेक्शन कब लगे थे आपके? सर, मैं जिस दिन 11 तारीख को शाम को गई थी उस दिन मैंने एक इंजेक्शन लगा था, तब मुझे हल्की हल्की ब्लीडिंग हुई थी और दो दिन बाद मुझे इंजेक्शन लगाए, 4 इंजेक्शन लगाए मेरे और दवाइयां दी, उसके बाद में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई है मेरी, उसके बाद मेरी ब्लीडिंग नहीं रुकी है। अब सवाल ये है कि क्या पीड़िता का लव जिहाद के शक के चलते टॉर्चर किया गया? क्या वाकई पीड़िता की तबीयत बिगड़ गई थी जिसके चलते उसको इंजेक्शन दिया गया? सवाल बड़े हैं। फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है और पीड़िता को कोर्ट में उसके बयान के बाद ससुराल भेज दिया गया है। शरद गौतम के साथ अरविंदो झा, मुरादाबाद, आज तक।